ही गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज़, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के नोट्स लेकर आए हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको बताएंगे। तो आपको जो है ना स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आंसर्स के और क्वेश्चंस के, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके की वीडियोज़ और बनाने का आगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो अब इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? मैं फटाफट से करूँगी, तो आपको जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं तो मैंने सारा कवर किया है, क्योंकि क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अगर स्पीडली मैंने अगर कोई स्लाइड कर दी तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। जल्दी जल्दी लेने हैं, ठीक है? सारा सीक्वेंस में ही है ये, तो आप ध्यान रखना, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये कंपोनेंट का क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंपोनेंट हैं सारे। बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग ALU, ये आपके कंपोनेंट्स हैं। ये मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, और क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको एक डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में बना के आते हो तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। बहुत सारे स्क्रीनशॉट है तो जल्दी जल्दी करें। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यूज़, और ये डिफरेंस है हमारा कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स में। ये स्लाइड थोड़ी ऐसी हो गया तो आप एडजस्ट कर लेना फ़ोन को रोटेट करके। कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स का ही गिवन है यहाँ पे आई थिंक। उसके बाद मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर, ये जो ऊपर है मेरे ख्याल से ये उसका है, कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग का 10 पॉइंट्स थे, तो ठीक है आप ध्यान रखना। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस मैंने लगभग इतना तो कवर कर लिया है कि उसमें पूरा पेपर आ जाएगा आपका, क्वेश्चंस मेन मेन, ठीक है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेमरी, मेमरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो आप, MDU 18 में आया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमरी सिस्टम है ये, ये सारा मेमोरी का आंसर है, मेमोरी हायरार्की है ये, ये आपका मेमोरी के ऊपर सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ रैम एंड रोम और इसके डिफरेंट टाइप्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने हैं, और अगर मैंने जल्दी जल्दी कोई वैसे कर दियो तो पोस्ट कर लेना वीडियो, ठीक है? ये वाली ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बबल मेमोरी, मैंने इसमें सारी यूनिट्स कवर करी हैं, जैसे कि आप जानते हो गए मैंने 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने उतना तो कवर कर लिया है कि 5 क्वेश्चन में तो आ ही जाएंगे इसमें, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स के। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी बेसिकली ये सेकेंडरी मेमोरी का आंसर है, कि अगर आपका क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मेमोरी का और स्टोरेज का, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? ये डायग्रामेटिकल हमारे को दिया गया है, इस तरीके से आप बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, यूज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क आ गया अब आपका, ये आपके टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क है, क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हाँ जी, तो ये ऑप्टिकल डिस्क, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। ये देखिए MDU D19, यानी कि डिस्टेंस का लग रहा है ये क्वेश्चन में आया था। ये प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज में आपको डिफरेंस बताना है, लेकिन मैंने इसमें चारों कवर कर लिए हैं ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का है डिफरेंस, ठीक है? ये 6 पॉइंट है टोटल, रैम एंड रोम के 5 पॉइंट, उसके बाद पी रोम ई पी रोम के भी 4 पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ये इसका आंसर है। ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में डिफरेंस है हमारा। अब आता है व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, डिफरेंट टाइप्स इसके, ठीक है?
ठीक है, इनपुट डिवाइस पे आप देख रहे हो एमडी रेगुलर में भी आया है ये क्वेश्चन और डिस्टेंस में भी आया है 18 में। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर क्वेश्चन आ सकता है इस पे MICR। नाइन डिजिट का होता है ये। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है आउटपुट डिवाइस का। और इसकी कैटेगरी टाइप्स ये सब भी हमें गिवन है। कैटेगरीज टाइप्स क्लासेस नेक्स्ट समय गिवन है। ये पूरा आउटपुट पर है ना क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस पर। चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्लॉटर, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, देख लिया आप लीजिए, 18 और 17 में आया हुआ है। ये इसका आंसर है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, मेन एप्लीकेशन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट अकाउंट्स, शेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, वेब पेज अकाउंट, यूज ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स एक्टिविटीज, ये MDU 19 में आया हुआ है हमारे यहाँ ईमेल का क्वेश्चन। ज़्यादातर डिस्टेंस का यहाँ पे मेंशन है। सोशल नेटवर्किंग, ये हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं।
What is search engine right name of two popular search engines? Short answer type question है ये. Next, define multimedia. Multimedia का question है ये. Components of multimedia. ये सारे components हैं. Multimedia authority tools. रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया के रिक्वायरमेंट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गिवन है. टेक्नोलॉजीज ऑफ मल्टीमीडिया. टेक्नोलॉजीज ऑफ मल्टीमीडिया वॉट इज़ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है और इसकी वीडियो भी बनाई हुई है मैंने सेपरेट, आप वॉच कर सकते हैं. चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी ये वीडियो. ई कॉमर्स के ऊपर है ये सारा आंसर, इसी को ही मैंने मैंशन करा है उस वीडियो में, डिस्क्राइब करा है. Elements of e-commerce, framework of e-commerce. मॉडल्स और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बी टू बी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, गारमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स, गारमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजीज ऑफ ई कॉमर्स, लिमिटेशंस ई बिजनेस, बेनिफिट्स ई पेमेंट, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, limitations of e-payment, e-auctions, benefits of e-auctions, benefits of e-shop, e-shop kya hoti hai, आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स क्या है ये बताना है. बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स,
ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स प्रैक्टिसेस का डिफरेंस हमें गिवन है बेसिकली। ई बिजनेस और ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या है डिफरेंस? टेली, ये हमारी लास्ट यूनिट है, टेली का क्वेश्चन आ सकता है। फीचर्स ऑफ टेली, वेरियस आइटम्स ऑफ टेली स्क्रीन, यूज ऑफ टेली इन अकाउंटिंग, यूज ऑफ टेली इन मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, व्हाट इज टेली ईआरपी 9, टेली ईआरपी 9 को एक्सप्लेन करना है, लेटेस्ट वर्जन है ये, ऑब्जेक्टिव्स इसके, फीचर्स इसके, एडवांटेजेस ऑफ टेली ईआरपी 9, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स ऑफ टेली ईआरपी 9, सेटअप, ये सारा हमें प्रोसीजर गिवन है। देन आफ्टर स्टेट अबाउट द कंटेंट ऑफ अकाउंट इन्फो ऑफ टेली ईआरपी 9, कंटेंट ऑफ अकाउंट इन्फो, मल्टीपल लेजर, सिंगल लेजर, क्विट, ग्रुप्स, लेजर क्रिएशन, लेजर अल्टरेशन, लेजर डिलीशन, पर आपको नोट लिखना है। राइट नोट ऑन ग्रुप क्रिएशन अंडर टेली ईआरपी 9। ग्रुप अल्टरेशन और ग्रुप डिलीशन पर नोट लिखना है। वाउचर क्या है, टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली, टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली, इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर, ये सारे टाइप्स हैं। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट वाउचर, ये सारे हमारे को गिवन है। क्रिएट अ वाउचर, डिस्प्ले एंड ऑल्टर ऑफ वाउचर, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वेंट्री, फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्रिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ फाइनल अकाउंट इन टैली, व्हाट इज टैली, लिमिटेशंस ऑफ टैली और टैली ईआरपी 9, एसपीएसएस का क्वेश्चन, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने। फंक्शंस ऑफ एस पी एस एस, वेरियस व्यूज ऑफ एस पी एस एस, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ ग्राफ इन एस पी एस एस सॉफ्टवेयर, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, एडिट्स ऑफ चार्ट, क्रिएशन ऑफ टेबल इन एस पी एस एस, कैसे आप टेबल क्रिएट करोगे, यूजेस ऑफ एस पी एस एस, इनोवा, इनोवा का क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था।
रिग्रेशन एनालिसिस हमने पढ़ा है, टी टेस्ट, स्टैट्स के क्वेश्चंस हैं ये तो। साइज स्टैट, एस वाई स्टैट, फीचर ऑफ एप्लीकेशंस, फाइनली वीडियो फिनिश हो चुकी है। आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।